नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। पराली जलाने को लेकर मैनपुरी में किसानों पर FIR, इंस्पेक्टर द्वारा किसान का कॉलर पकड़े जाने पर हुआ विवाद। समाप्त हुआ भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। गन्ना भुगतान और बिजली बिल को लेकर की गई महापंचायत। गेहूं के प्रमाणित पर मिलेगी 50% सब्सिडी। राजस्थान कृषि विभाग जल्द उपलब्ध कराएगा बीज। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को लेकर कई किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से सामने आया है, जहां पर किशनी पुलिस ने 5 किसानों के खिलाफ पराली जलाने को लेकर केस दर्ज किया है, साथ ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि पराली को लेकर किसानों की गिरफ्तारी का ये कोई नया मामला नहीं है, लेकिन इसको लेकर काफी विवाद हुआ। दरअसल किसान की गिरफ्तारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी किसान को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले गए। खबरों की माने तो मैनपुरी में पहली बार पराली जलाने को लेकर किसानों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि मामला बीते गुरुवार का है, जब SDM राम सकल मौर्य और उप कृषि निदेशक DV सिंह के साथ चेकिंग के लिए निकले थे, और इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अजीत सिंह ने किसान को उनका कॉलर पकड़कर खींचा। मामले को लेकर किसानों में काफी क्रोध है। उनका कहना है कि प्रदूषण तो बड़ी बड़ी कंपनियों से निकलने वाला धुआं भी फैलाता है, लेकिन क्या कभी कोई पुलिस अधिकारी उन कंपनियों के मालिक का कॉलर पकड़ सकते हैं? वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष शिवाकांत दुबे ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि अन्नदाता के खिलाफ पुलिस का ये रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते दिन भारतीय किसान यूनियन ने बकाए भुगतान और गन्ना मूल्य को 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश के हजारों किसानों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन पिछले काफी दिनों से लगातार गन्ना भुगतान और बिजली बिल को लेकर धरना प्रदर्शन करता आ रहा है। ऐसे में सरकार की अनदेखी को देखते हुए बीते दिन किसान यूनियन ने ऐतिहासिक महापंचायत की और सरकार से किसानों का बकाया गन्ना भुगतान करने और बिजली बिलों में कटौती करने की मांग की। ऐसे में SP सिटी सतपाल आंतिल, ADM प्रशासन अमित सिंह ने मंच पर पहुंचकर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, और ADM ने आश्वासन दिया कि सोमवार तक कई चीनी मिलों द्वारा गन्ना भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही बिजली के बिल गांव में ही ठीक होंगे और कैंप लगाए जाएंगे। किसानों से उगाही करने वाले पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा दिवाली के बाद सभी विभागों से बातचीत कर भारतीय किसान यूनियन के साथ बैठक की जाएगी। इसी के साथ प्रधानमंत्री और CM योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंप कर कई दिनों से चले आ रहे भाकियों के धरना प्रदर्शन को भी समाप्त किया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है और अधिकतर किसान रबी की मुख्य फसल गेहूं की खेती करते हैं। ऐसे में राजस्थान के किसानों के लिए ये खबर खास होने वाली है, क्योंकि राजस्थान का कृषि विभाग राज्य के किसानों को निर्धारित मूल्य से 50% की छूट पर गेहूं की प्रमाणित बीज उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में गेहूं की खेती करने वाले राजस्थान के किसानों को महंगे बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि सिकराय तहसील में लगभग 250 क्विंटल गेहूं के बीज का आवंटन किया गया है। इसमें से लगभग 90 क्विंटल गेहूं का वितरण भी कर दिया गया है। कृषि विभाग सिर्फ 17 रुपए किलो में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन और राष्ट्रीय बीज निगम का प्रमाणित बीज 50% छूट पर उपलब्ध करा रहा है, जिसकी कीमत बाजार में 30-40 रुपए किलो है। आपको बता दें कि कृषि विभाग की तरफ से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों को गेहूं के बीज 17 रुपए किलो की दर से 680 रुपए में 40 किलो का बैग उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल जहां कृषि विभाग द्वारा 700 क्विंटल बीज का आवंटन किया गया था, वहीं इस बार सिर्फ 250 क्विंटल बीज ही आवंटित किया जा रहा है। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।